तो बड़ी खबर इस बीच और आ रही है, आपको बता दें, जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी को आज कोर्ट के सामने ले जाया गया है, रिमांड में लिया जाएगा, वहीं अब और खुलासे भी हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जांच के घेरे में अब एक और नाम शामिल हो सकता है जल्दी, मोनालिसा दास, ये भी रडार पर है ईडी के। 10 फ्लैट जो है वो इनके हैं, बांग्लादेश से भी इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो अब जांच के दायरे में, घेरे में मोनालिसा भी जुड़ती जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पार्थ की ये करीबी बताई जा रही है। तो दो करीबी पार्थ चटर्जी के वो भी निशाने पर अब ईडी के। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई 144 करोड़ रुपए वापस, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जांच के घेरे में पार्थ चटर्जी की एक और करीबी अब आती हुई नजर आ रही है। अनुपम लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, देखिए, एक तरफ अर्पिता मुखर्जी जो इस समय जिनके घर में नोटों की गिनती हो रही है, 21 करोड़ रुपए कैश वहां से बरामद हुए हैं, अब एक और नाम जुड़ता हुआ मोनालिसा दास का नजर आ रहा है, अब इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ये क्या किस तरीके से कनेक्टेड थी पार्थ चटर्जी से? जी देखिए, जो जिस तरह की जानकारी हमें अर्पिता मुखर्जी के बारे में मिली कि वो काफी करीबी थी पार्थ चट्टोपाध्याय की, वही जानकारी, उसी तरह का संपर्क और संबंध इस वक्त जो सामने आ रहा है मोनालिसा के साथ भी पार्थ चट्टोपाध्याय का था। और यहाँ तक कि आसनसोल में कई जगह उनको फेवर देने का भी आरोप लगाया जा रहा है पार्थ चट्टोपाध्याय को। लेकिन अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आसनसोल के जिस घर में मोनालिसा दास रह रही थी, वहां पर पिछले कई दिनों से वो नहीं गई हैं। तो ऐसे में मोनालिसा दास की भूमिका, साथ में अर्पिता की भूमिका, ये दोनों ही अब जांच का विषय बनता जा रहा है ईडी के लिए। खास तौर पर देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में जो घोटाला हुआ है, उसमें जो नगद उगाही की गई है, जो नगद आया है, वो कहां गया, किधर खपा है, ये है ईडी की जांच का विषय। दूसरा, आपराधिक जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, षड्यंत्र हुआ है, वो किस तरह से ये अपराध शुरू हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनका क्या हुआ, किस तरह से उन लोगों ने इस मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया, ये सब जो जांच का विषय है, ये सीबीआई का है। तो सीबीआई ने इस विषय में दो बार पार्थ चट्टोपाध्याय से पूछताछ भी की है। जो परेश अधिकारी हैं, जो फिलहाल में राज्य मंत्री हैं, राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी पूछताछ की गई है, उनके घर पर भी ईडी ने रेड की थी, हालांकि वो रेड कल खत्म हो गई थी, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन यहां पर चूंकि बहुत सीधा संपर्क पार्थ चट्टोपाध्याय का अर्पिता मुखर्जी के साथ मिलता और जुड़ता नजर आ रहा है, यही वजह है कि पार्थ चट्टोपाध्याय को खास सबूतों के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। और उधर अर्पिता मुखर्जी, जिनके पास से, क्योंकि सीधा संपर्क अर्पिता मुखर्जी का स्थापित हो रहा है इन रुपयों के साथ, उनके घर से जो बरामद हुए हैं, और 21 करोड़ रुपए कोई ऐसी रकम नहीं होती है, वो कोई इतनी बड़ी अभिनेत्री भी नहीं थी कि इतना रुपए वो कमाए। उन्होंने जो अभी तक हमें मालूम है, छोटे मोटे अभिनय किए हैं, बांग्ला फिल्मों में अभिनय किए हैं, उड़िया फिल्मों में अभिनय किए हैं, तमिल फिल्मों में भी छोटे मोटे अभिनय किए हैं, लेकिन उनका ग्राफ, करियर ग्राफ बहुत ऊंचा रहा हो, बहुत अच्छा चल रहा हो, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में इन रुपयों का उत्स क्या रहा, ये रुपए कहां से आए, किसने दिए, कब दिए,